हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए देखते हैं कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित क्या खबरें आ जाएंगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बीए थर्ड ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें कुछ महाविद्यालयों के रिजल्ट रोक दिया गया था, उसको लेकर आज आर्टिकल छपा है दैनिक जागरण में। तो आइए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। दैनिक जागरण का पृष्ठ नंबर 2 पे आज की ये खबर है कि बीएड प्रवेश में से हज़ारों अभ्यर्थी वंचित। एक्चुअली में मामला क्या है कि कुछ महाविद्यालयों को रिजल्ट इसलिए रोक दिया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ के बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस अभी सबमिट नहीं किया। आइए पूरा मामला क्या है पढ़ते हैं, आइए खबर क्या है देखते हैं। नीचे लिखा है कि अवध विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज के विवाद में छात्रों को हो रहा नुकसान। ओके, मामला क्या है ये देख लीजिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का फरमान कटघरे में है। विश्वविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय पर परीक्षा शुल्क बकाया बता रहा है, लेकिन सजा विद्यार्थियों को दी जा रही है। वही बात है ना, विश्वविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय पर परीक्षा शुल्क बकाया बता रहा है कि महाविद्यालयों पर परीक्षा शुल्क बाकी है। ये वो विद्यार्थी हैं जो स्नातक तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुके हैं और ये अंक पत्र के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने इस श्रेणी के महाविद्यालयों का परीक्षा फल रोक दिया है। यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि इन विद्यार्थियों ने तो परीक्षा शुल्क बहुत पहले ही जमा कर दिया था, अब विश्वविद्यालय के कोप का शिकार भी छात्र हो रहे हैं। अब देखिए, परीक्षा फल न घोषित होने से हज़ारों की तादाद में विद्यार्थी बीएड की काउंसलिंग से वंचित हो गए हैं। अब कुछ विद्यार्थी परिषद ने भी इस पर आवाज़ उठाई है, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व समाजवादी छात्र सभा जैसे छात्र संगठनों ने नाराजगी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, एबीवीपी के प्रदेश मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन यदि जल्द ही रिजल्ट घोषित नहीं करता है तो परिषद आंदोलन का बाध्य होगा। कुलपति जी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, सवाल किया कि यदि महाविद्यालय प्रबंधन ने शुल्क विश्वविद्यालय को नहीं दिया तो इसमें छात्र का क्या दोष। समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने कहा कि सरकार के इशारे पर विद्यार्थियों का शोषण किया जा रहा है। तो ये आज की खबर है कि बीए थर्ड ईयर का जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि महाविद्यालयों ने परीक्षा शुल्क की जमा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की खबर। और एक और खबर आ रही है कि अंक पत्र सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय का लगा रहे चक्कर। अयोध्या साकेत महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अंकित को बीएड में प्रवेश लेना है, वही खबर आ रही है। अंक पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, इसका सत्यापन कहाँ होगा पता नहीं। एक्चुअल में क्या है कि जो आपका अंक पत्र डाउनलोड हो रहा है उसको विश्वविद्यालय से सत्यापन करके फिर आपको अपलोड करना है बीएड की काउंसलिंग में। ओके, तो इसका सत्यापन कहाँ होगा पता नहीं। साकेत में अंक पत्र को प्रमाणित नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से अंक का चार्ट कॉलेज नहीं भेजा गया है, बिना चार्ट के सत्यापन संभव नहीं। इस कार्य के लिए अंकित सुगंध सहित कई कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। तो ये दोस्तों ये खबर चल रही है आजकल विश्वविद्यालय के अंदर। इसी में छोटी खबर ये भी है विश्वविद्यालय संबंधित, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। कुलपति तय करे जिम्मेदारी। देखिए, अयोध्या छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष विशाल वैश्य ने मामले को गंभीर बताया, कहा कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा से लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया तक को मजाक बना दिया है। बीएससी तृतीय वर्ष गणित का परीक्षा फल बिना वो खबर मैंने आपको बताया था कि बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें एक 60 नंबर का जो प्रैक्टिकल्स था उसको रिजल्ट में ही इंक्लूड नहीं किया गया था, बीस बना उसके बगैर ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तृतीय वर्ष गणित का परीक्षा फल बिना एक प्रश्न पत्र के ही घोषित कर दिया गया। एक महाविद्यालय को बिना शिक्षक की कई विषयों की अस्थायी मान्यता दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कुलपति से गुहार लगाई कि वो इन सभी प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जाए, अन्यथा आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे। परीक्षा नियंत्रक उमानाथ से उनका पक्ष लेने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन मोबाइल की कॉल डाइवर्टेड की सूचना प्रसारित हो रही थी। तो दोस्तों ये खबर थी आज की अवध विश्वविद्यालय से संबंधित। तो बस यही कुछ त्रुटियां सामने आ रही हैं, जैसे कि बीएड का रिजल्ट, ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि बीए लास्ट ईयर का रिजल्ट ना डिक्लेयर करना, क्योंकि इसका सीधा असर किसको पड़ रहा है, जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए मामला गंभीर क्यों है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत अच्छा रैंक आया है लेकिन उसके पास बीएड थर्ड ईयर की मार्कशीट ही नहीं है, तो वो जब पोल काउंसलिंग में जाएगा तब तो ऑलरेडी सीटें फुल हो जाएंगी, फिर उन्हें जो उस बच्चे का प्रेफरेंस होगा वो तो कॉलेज उसको मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। एटलीस्ट बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए जिन विद्यालयों का नहीं आया, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और खासतौर पर बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित, क्योंकि अब तो सीटेट, खैर बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित बात किया जाएगा उसमें भी, क्योंकि सीटेट का आवेदन शुरू हो गया है और अभी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो इस मामले में बात किया जाएगा, जुड़े रहिए इस चैनल से, जैसे कोई खबर आती है आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक अपनी आप खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।